हाय, मेरा नाम विक्रम मस्ताल है और 8 मार्च को हमारी फिल्म सस्पेंस रिलीज़ होने जा रही है। वी आर वेरी एक्साइटेड और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नई है और हमारी जो कहते हैं पट कथा काफ़ी स्ट्रांग है और जनता जनार्दन से पसंद करेंगे। मैं कहूँगा लेडी से अपने बारे में बताएं कुछ। हाई, दिस इज़ आंद्रा बैनर्जी एंड आर फिल्म सस्पेंस इज़ गोइंग टू रिलीज़ ऑन 8th of March और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, और आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। सो या आई विल विश दैट आप लोग सब देखें और बहुत सारा प्यार दें और अप्रिसिएशन दें। हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क की है, सो आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू। स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट, आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ टीवी शोज। मेरा फर्स्ट टीवी शो था बड़ो बहू ऑन एन टीवी, जो लास्ट ईयर ख़त्म हो गया। एंड देन आफ्टर दैट आई डिड कसौटी जिंदगी की, जो अभी भी चल रहा है ऑन एयर ऑन स्टार प्लस। एंड इसके पहले आई डिड अ फिल्म विच वॉज नेम्ड एज ये है इंडिया, जो कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुके हैं। या दैट्स इट एज ऑफ नाउ। हाय, आई एम नैना शेट्टी ध्रुज। क्या कहना है आप पूछे? इस मूवी के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मतलब, और इसमें काफ़ी लोग हैं, जैसे कि आर्टिस्ट जो भी हैं, अंतरा जी, विक्रम सर और मधु अजय सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मुझे सिखाया है, जो चीज़ में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उस चीज़ के लिए बहुत कोऑपरेट किया है और डाटा भी है सर ने बहुत। सो ओवरऑल वी हैव एंजॉयड अ लॉट व्हाइल शूटिंग द फिल्म। आज तक डरती है? और नहीं, अभी तो नहीं डरती हूँ। अच्छा, अभी नहीं डर रही? हाँ, अभी नहीं डर रही। तो उस टाइम पे बहुत डराया भी है विक्रम सर ने, तो नहीं मतलब डराया, वो सीन की डिमांड थी एक्चुअली। तो मैं राज है नहीं यहाँ पे, राज को भी थैंक यू कहती हूँ कि उसने भी बहुत मुझे समझाया है। और कहीं कहीं मैं, मेरा फर्स्ट मूवी है तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बहुत नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी, तो राज ने भी बहुत मेरे को कोऑपरेट किया और समझाया सिखाया। तो और राज का राज स्टोरी बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। बस हेलो, मेरा नाम मधुमिता विश्वास है और हम लोग यहाँ पे आज आए हैं। हमारी मूवी जो कि नाम, जिनका नाम है सस्पेंस, वो 8th of March को रिलीज़ हो रही है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाइए थिएटर में, देखिए अपने नियर बाय थिएटर में, क्योंकि ये सस्पेंस मूवी है, थ्रिलर है, तो आपको थिएटर में ही मज़ा आएगा। और हम लोग ने, सब लोग ने बहुत काम किया है, तो प्लीज़ डू वॉच। के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह का है? मेरा कैरेक्टर में, मेरा नाम आनंदिता है, जो कि मैं विक्रम की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। सिंपल केयरिंग वाइफ का कैरेक्टर है। मैं क्या बोलूं, सब तो इन्होंने ही बोल दिए। मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा नाम अजय यादव है, मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, साथ में प्रोड्यूसर भी हूँ। बस स्टार कास्ट की बात करें तो कैसे ये लोग को सेलेक्ट किया, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, इस पर तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। इसमें विक्रम, जैसे कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड है राजेश इंट्रोड्यूस कराया था और अंतरा जी को, फॉर्चुनेटली अंतरा से तो मेरी मुलाकात हो गई थी और उसके बाद विक्रम जी से सिर्फ हमारी फ़ोन पे ही बात हुई और स्टोरी वगैरह दी, सब कुछ हो गया। मज़े की बात ये रही कि विक्रम से मेरी मुलाकात शूटिंग से एक हफ्ता पहले ही हुई थी। हाँ, एक वीक पहले हम लोग मिले और दो बार उसके बाद मीटिंग की, लेकिन उससे पहले कम से कम हम लोग 20 बार टेलीफोन पे अपने स्टोरी को डिस्कस करते रहे। तो जब मेरे पास फ़ोन आया विक्रम का फर्स्ट टाइम, और इन्होंने स्टोरी को जिस दिन मैंने स्क्रिप्ट भेजी उसके नेक्स्ट ही फ़ोन आया बोला, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। मेरी कोई पहली फिल्म तो है नहीं, बहुत फिल्में की, बड़े बड़े एक्टर भी किए, जी पैसे ले लो, साइन करो, कैश दे दो और सीन भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, वहीं सुनेंगे। बट विक्रम जी ने मेरे साथ जब डिस्कशन किया कोई 25 मिनट तक, 25 से 30 मिनट हम लोग फ़ोन पे एक एक सीन को इन्होंने डिस्कस किया, तो मुझे लगा मैंने, यार ये क्या आदमी है, कल स्क्रिप्ट भेजी और आज इन्होंने पूरे सीन्स बता दिए, अभी तो मैंने पैसे भी नहीं भेजे।
मुलाकात भी नहीं हुई। एक्चुअली सर क्या है, आपकी अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, फिर हम लोग इस पर डिस्कस काफ़ी करते रहे और ये आदमी अच्छा है, ये एक्टर अच्छा है, मुझे इसी के साथ काम करना है आगे। एक्चुअली सर आपकी स्टोरी इतनी अच्छी थी और एज ए फर्स्ट स्टोरी, एज ए न्यू कमर, मेरी डेब्यू मूवी थी, एज ए एक्टर कहते हैं ना एक अंधे आदमी को आँख मिल जाने वाली बात थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी स्टोरी मिली। मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी शोज़ किए मैंने, रामायण किया, संकट मोचन किया, गंगा मैया किया, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आ रही मेरी 21 सरफरोश सारा घड़ी, वो भी की, बट मैं एक अच्छी स्टोरी का वेट कर रहा था, तो काफ़ी अच्छी स्टोरी मुझे मिली। थैंक्स टू अजय सर जो उन्हें बिलीव किया मुझ पर, काफ़ी शेड्स हैं, काफ़ी शानदार स्टोरी है और लोगों को 2 घंटे अच्छे मनोरंजन के निकलने वाले हैं। लेकिन लेकिन मैं पहले पूरी कर लूँ। हाँ नहीं मैडम, ये हाँ आपने पहले क्या बोलिए, मैंने आपको मेरा नहीं नहीं सर नहीं सॉरी सॉरी सर आई अप्लाई तो लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से मेरी बात हुई ना, तो मुझे लगा कि नहीं आदमी सीरियस है रोल के बारे में, पहला एक्टर मुझे ऐसा मिला। फिर हम लोग मिले, बाकी तो जितने मिले बोले पैसे कितने दोगे, पहले पैसे की बात करो, साइनिंग कब दे रहे हो, पहले दिन मैंने साइनिंग दे दो, ये कर दो, फिर सीन पे करना, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा इनका शूट करना। तो राजेश जी को मैं थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने ये लवली कपल मुझे दिया, विक्रम और अंतरा दोनों का, तो अंतरा ने भी अच्छा मतलब परफॉर्म किया और मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो पूरी मुझे मिली। और नैना, वो तो पहली फिल्म थी उसकी, तो कहती है मुझे कुछ आता नहीं है, सिखाओ, तो इस पर मगर हम लोगों ने कुछ सिखाया, हमने डांटा भी इसको, मैंने भी कभी विक्रम भी चिल्लाए, तो इस लड़की ने मेहनत पूरी की अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं किया, जितना एफर्ट ये कर सकती थी उतना इसने किया, अच्छा काम किया। और रही बात मधुमिता विश्वास की, तो विश्वास पर तो मुझे पहले से विश्वास ही था। तो और इसने ये मेरे विश्वास पर खरी भी उतरी, अच्छा रोल इन्होंने भी किया, तो ओवरऑल कास्टिंग ऐसे रही। साथ में राज ने भी अच्छा काम किया, रामकिशन गुर्जर ने वॉचमैन का अच्छा कैरेक्टर किया है, बीड़ी अच्छी पीना जानते हैं वो। सर क्या बोलना चाहेंगे अपने कोस्टर के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी मज़ा आया, कोस्टर बहुत खूबसूरत है, तो मज़ा तो आया। डेफिनेटली सर ने बोली दी मेरे मन की बात, तो मतलब मन के लड्डू फोड़ दिए उन्होंने 2 बार मेरे तो काफ़ी अच्छे। अच्छा सबको क्या है, मेहनत थी सबकी, पहली फिल्म थी, सबने बहुत मेहनत की, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ऐसा इतनी अच्छी स्टोरी बार बार नहीं मिलती है, तो सबने अपना 100% दिया, सबने अपनी मेहनत की अपने अपने लेवल पे, सबने अच्छी मेहनत की, और उसका रिजल्ट 8 मार्च को जनता जनार्दन को दिखने वाला है, हमें उम्मीद है, क्योंकि 2018 में सभी अच्छी कहानी और अच्छे कलाकारों की फिल्म चली है, तो उम्मीद करते हैं कि हम नए कलाकारों को जनता अप्रिशिएट करेगी और हमें सराह देगी और प्यार देगी। मैम आपने जैसा बोला कि आपने काफ़ी टीवी सीरियल किया है, अभी मूवी में आ रहे, तो क्या बोलना चाहेंगे, कैसा जर्नी रहा क्या? जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, पर आई नो वन थिंग, अगर आप में पैशन हो और अगर आप कुछ करना चाहते हो एंड देन यू हैव द पेशेंस ऑफ कोर्स, तो यू कैन डू इट एनी टाइम। तो मेरा मतलब आई हैव बीन अ डांसर बहुत बचपन से, आई एम फ्रॉम कैलकटा, तो हम लोग में एक रीति रिवाज होता है दैट वी विल लर्न डांसिंग बचपन से, सो या आई दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी। टी वी शोज जब मैंने शुरू किया था, मेरा फर्स्ट एक कैमियो था फ्रॉम अक्षय कुमार फिल्म, दैट्स शौकीन्स। उसके बाद आई डिड अ फिल्म कॉल ये है इंडिया, जो कि फिल्म फेस्टिवल्स में गई हुई है एंड इट हैज़ वन द फेस्टिवल्स। उसके बाद आई डिड दिस टी वी शोज़। तो टी वी शोज़ में क्या है ना, यू डू अ लॉट ऑफ सीन्स एक दिन में, बहुत सारा सीन्स, एक मतलब बहुत मेहनत रहती है, बट फिल्म इज़ टोटली डिफरेंट, इट्स अ टोटली डिफरेंट सेक्टर, तो उसमें काम करने में कुछ अलग मज़ा है। तो आई हैव रियली थॉरली मैंने बहुत मज़ा किया है, आई हैव एक्सपीरियंसड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द फिल्म्स। या आप क्या बोलना चाहेंगे, आपका ये फर्स्ट मूवी है डेब्यू, क्या बोलना चाहेंगे, कुछ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे लिए मतलब था मुश्किल ही था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, अभी भी हूँ थोड़ी बहुत, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी लोग थे, डर लग रहा था, फिर बाद में सब लोग इतने अच्छे थे कि एकदम फ्रेंडली हो गए और सब ने मतलब मेरे को समझाया सिखाया, तो फिर इतना मुझे डर और घबराहट नहीं हुई, फिर अच्छे से करने लगे, फिर मज़ा आने लगा काम वाम करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी कोई नेक्स्ट मूवी हो या सीरियल हो या कोई भी चीज़ हो, तो मैं बिंदास कर सकती हूँ। सर आप क्या बोलना चाहेंगे लोकेशन की, तो कहाँ कहाँ पर शूट किया गया है ये फिल्म? मैंने नियर बाई बॉम्बे ही शूट की मैक्सिमम,
मनोर में शूट की थी, एक उसके बाद पनवेल की मड में शूट किया, आपका पूना किया, नासिक में शूट की, लवासा में शूट की और फ्यूचर स्टूडियो बॉम्बे में शूट किया, ये जगह थी जहाँ मैं शूट किया। एट प्रेजेंट जहाँ तक मुझे लगता है बिकॉज टोटल धमाल अच्छी चल रही है, फिर लुका छिपी भी हिट हो गई है, बदला भी है और सबसे बड़ी मेरे अगेंस्ट में मार्वल आ रही है, तो उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है करीब 300 थिएटर तक शायद टच कर जाऊँ, फ्रॉम बिटवीन 250 to 300। क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो इस फिल्म से, क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन तो बहुत है और नर्वसनेस भी है कि देखो अपनी बनाई हुई चीज में तो एक्सपेक्टेशन होती ही है, सो एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी है ऑब्वियसली बिकॉज चीज है, और बाकी डिपेंड करता है कि कैसी पब्लिक को पसंद आती है, फिल्म अच्छी बनाई है मुझे लगता है फिल्म, और म्यूजिक में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है हमारे म्यूजिक को, सो होपफुली लोगों को हमारा फिल्म भी बहुत पसंद आए। गाने कितने इस फिल्म में क्या होना चाहिए, किस तरह के गाने हैं? तीन गाने हैं, एक पार्टी सीक्वेंस है चढ़ गई चढ़ गई, एक मधु और इनका रोमांटिक सॉन्ग है मीठी मीठी, और एक गाना है अंतरा का और विक्रम का, दैट्स अ रोमांटिक सेंट्रल सॉन्ग व्हिच हैज बीन लाइक रियली लव्ड बाय पीपल नाउ। और अभी मेरे को, मैंने तो यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं देखता हूँ, तो विक्रम जी मॉर्निंग में मुझे बता रहे थे कि नाइन लेख क्रॉस वन मिलियन हो चुका है, वन मिलियन गाना हो चुका है, और मज़े की बात यह है कि कोई भी व्यू हमने ऐसा नहीं किया जो कि मैं पैसे खर्च करके प्रमोट किया, तो ऑटोमेटिकली जेन्युइन व्यूज़ हैं, आई थिंक वो गाने भी अच्छे हैं। या द लिरिक्स आर वेरी गुड एंड द सॉन्ग इज सुपरबली शॉर्ट, तो लोग पसंद आ रहा है। लास्टली दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, क्या मैसेज देने वाले हैं? दर्शकों को तो एक ही मैसेज दूंगा कि मैंने अपने क्रू के साथ इसमें जो पर्दे पे हैं और जो पर्दे के पीछे हैं सबने काफ़ी मेहनत की है, और हमें आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, कोशिश कीजिए कि फिल्म को जाकर देखें, अगर अच्छी लगे तो सराहें और बुरी लगे तो हमें मैसेज करें कि भाई कुछ और अच्छी बनाएं। क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नए एक्टर काम करते हैं, नई टीम आती है, जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा, इनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, तो हमें अपना प्यार और कीमती वक्त ज़रूर दीजिए। थैंक यू थैंक यू।